भाई चंद्रयान जो है चंद्रमा पे है और हैक यहाँ पे उसी को हैकिंग कर रहे हैं, वहां से इसकी कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ईवीएम तो छोटी सी मशीन है, आपके कंप्यूटर पे मैं बाइट दे रही हूँ, आप जो है इसकी एडिटिंग करके इधर उधर मेरी चीजों को हटा के मेरे शब्दों का मतलब ही बदल सकते हो। कंट्रोलिंग है आपके हाथ में, हैकिंग पावर है आपके हाथ में, तो जब इसमें हो सकती है तो ईवीएम भी मैन मेड है तो उसमें भी हो सकती है। कि ईवीएम जो है 90% चार्ज थी, 10 घंटे के बाद काम करने के बाद भी जो मशीन 90% चार्ज है, इसका मतलब या तो उसे बीच में रोक दिया गया है, ठीक है, या जो है उसको बदल दिया गया है। दो ही ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। तो यानी ये हेरा फेरी जो है चल रही है, चलती रहेगी। तो जब जिस देश में ईवीएम जो है पैदा हुई उस देश ने ही इसको रिजेक्ट कर दिया, वो बैलेट पेपर से जो है चुनाव करा रही है, तो इसका मतलब जो है भारत में भी ईवीएम बैन होना जाना चाहिए। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजबाला सैनी जी। 5 राज्यों के चुनाव जो हुए थे उसके बाद रिजल्ट के बाद जो है 3 राज्यों में भाजपा सरकार ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार जो है लगातार सवाल उठा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी बताई जा रही है। उनमें इनके मायने क्या है, इनकी राय हम जानेंगे। क्या लग रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी कहना कहाँ तक सही है? देखिए, ईवीएम जो है कांग्रेस ही लेके आई थी, ठीक है। तो ये तो देखिए, हम ना तो कांग्रेस चाहते हैं भारत में, ना हम जो है बीजेपी चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि शासन और प्रशासन जो है मनुवादियों के हाथ में, 10% लोगों के हाथ में है। तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ जो है मीडिया इन्हीं की, या तो बीजेपी की दिखा सकता है या कांग्रेस की दिखा सकती है, और हर घर में टीवी टंगा हुआ है और टीवी पे जनता जो देखती है उसी के अनुसार जो है वो वोटिंग करती है। और इनको इनका इतिहास पता नहीं है कि ये जो है 10% लोग जो हैं ये क्या इतिहास है, कितना शोषण ये SC ST OBC का करते हैं। तो राहुल गांधी अगर कहता है कि ईवीएम घोटालेबाज है, ये और वो है, तो वो तो जो है ना वही वाली बात है कि वो पक्ष में अगर बीजेपी है तो विपक्ष जो है राहुल गांधी उस पर उंगली उठाएगा, और जब पक्ष में जो है कांग्रेस आ जाती है सत्ता में तो बीजेपी उसके खिलाफ बोलती है। तो ये इनका खेल चला हुआ है ताकि जनता इन्हीं दोनों की फुटबॉल बनी रहे, कभी बीजेपी ठोकर मार दे और कभी कांग्रेस ठोकर मार दे। तो जब जिस देश में ईवीएम जो है पैदा हुई उस देश ने ही इसको रिजेक्ट कर दिया, वो बैलेट पेपर से जो है चुनाव करा रही है, तो इसका मतलब जो है भारत में भी ईवीएम बैन होना जाना चाहिए। उस पे जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुआ है वो इस देश की कमाई, इस देश की कमेरे वर्ग की टैक्स से ही जो है वो बर्बाद हुआ है, और जन जो नेता चुन के आते हैं वो इसी कमेरे वर्ग के हक अधिकारों को लूटने में लगे हुए हैं। तो ईवीएम तो सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा आता है चुनाव आयोग। इसमें चुनाव आयोग जो है वो भी मनुवादियों की जेब में बैठा हुआ है, जो मनुवादी कहते हैं वो उस अनुसार काम करता है। हाँ भाई, ईवीएम कितनी चोरी करवानी है, चोरी कर देते हैं। जिसमें वोटिंग होती है ज़्यादा, लगता है कि ये हमारे पक्ष में नहीं है, उसको हटवा देते हैं, दूसरी नई ईवीएम लगा ला देते हैं। क्योंकि अभी जो मामला आया है कि ईवीएम जो है 90% चार्ज थी, 10 घंटे के बाद काम करने के बाद भी जो मशीन 90% चार्ज है, इसका मतलब या तो उसे बीच में रोक दिया गया है, ठीक है, या जो है उसको बदल दिया गया है। दो ही ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। तो यानी ये हेरा फेरी जो है चल रही है, चलती रहेगी। जिस जो सत्ता होती है उसी के जेब में होता है, तो ये सारा जो है खेल चल रहा है। लेकिन इसमें एक SC ST OBC के लिए बहुत अच्छी बात हो गई है कि कांग्रेस अपने आप को सोच रही थी 10 साल बाद मैं उठूंगी, थोड़े सा इंडिया गठबंधन बना लिया। इंडिया गठबंधन के बाद अपने गठबंधन के साथियों को टिकट नहीं देती है वो, राजस्थान में OBC को टिकट नहीं देती है वो। तो इससे क्या हुआ कि अगर वो चारों चुनाव जीत जाती राज्यों में तो वो कहती भाई मुझे तुम्हारे ना नीतीश की ज़रूरत है, ना मायावती की, तो पहले थी ही नहीं, ना नीतीश की ज़रूरत, ना मायावती की ज़रूरत, ना अखिलेश की, ना तेजस्वी की, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो वो घमंड जो है कांग्रेस का टूट गया है। तो यानी SC ST OBC का थोड़ा वजूद अप हो गया। तो मतलब आपको भी लग रहा है जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता थे सब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? नहीं, सिर्फ राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी ने चाहे राजस्थान ले लो, चाहे भूपेश बघेल जी ले लो, उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो काम किया उसको नहीं बताया जनता में। क्या कहा, मोदी पनौती है, मोदी ये है, बस वो राहुल वो मोदी, बस यही गेम चल रहा था। उनके मुख्यमंत्रियों ने क्या काम किया, उस राज्य ने क्या विकास किया,
उस कांग्रेस काल में उन्होंने कितना ओबीसी को जोर, राहुल गांधी बात करते हैं कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी के लोग मीडिया में नहीं है एससी एसटी के, तो उन्होंने कितनी ओबीसी को टिकट दी, वो नहीं दी। तो इसका मतलब राहुल गांधी की कथनी करनी में बिल्कुल अंतर है। अपने मुख्यमंत्रियों के कार्यों का गुणगान करने की बजाय, अपने राज्य के विकास करने के दिखाने की बजाय, उन्होंने सिर्फ मोदी पर कंसंट्रेट रखा और मोदी ने जो है वो जो है अपने आप को एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, जब प्रधानमंत्री जा रहा है तो सारी सत्ता, पहले भी देखा आपने 5 सालों में अशोक गहलोत को पहले भी गिराने के लिए एमएलओ को खरीद फरोख करी जा रही थी, तो देखिए कैसे जो है बीजेपी कांग्रेस दोनों जो है अशोक गहलोत के पीछे लगी हुई थी कि इसको तो सत्ता से हटाना ही हटाना। लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, उनका बयान आया है कि ईवीएम हैक करा जा सकता है, तो मतलब आपका भी मानना है कि ईवीएम हैक हुआ था? अरे भाई चंद्रयान जो है चंद्रमा पे है और हैक यहाँ पे उसी को हैकिंग कर रहे हैं, वहाँ से इसकी कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ईवीएम तो छोटी सी मशीन है, आपके कंप्यूटर में मैं बाइट दे रही हूँ, आप जो है इसकी एडिटिंग करके इधर उधर मेरी चीज़ों को हटा के मेरे शब्दों का मतलब ही बदल सकते हो, कंट्रोलिंग है आपके हाथ में, हैकिंग पावर है आपके हाथ में, तो जब इसमें हो सकती है तो ईवीएम भी मैन मेड है तो उसमें भी हो सकती है। तो अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो निष्पक्ष फैसला आता? देखिए अब बैलेट पेपर में चांसेस जो है, एक ईवीएम मशीन में तो एक मिनट में जो है आप डाटा को चेंज कर सकते हो, ईवीएम हटाई दूसरी ईवीएम लाई और जो है डाटा चेंज हो सकता है, आरटीआई कोई डालेगा नहीं पता है। अगर बैलेट पेपर से अगर हम कराते हैं तो बैलेट पेपर को जो है इतने सारों को रिप्लेस करना, फिर अगर मैंने आरटीआई लगा दी और वो अगर मुझे नहीं दी मिले प्रूफ, तो हम जो है उसके सत्ता को जो है परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसीलिए जो इजीली चोरी कर सकते हैं वो ईवीएम है। जिस तरीके से 3 राज्यों में भाजपा ने अपनी सत्ता स्थापित करी है, मतलब 2024 में भी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है फिर वो? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 3 में हो गई तो वो मजबूत हो गई, तो 3-4 में तो वो भी है, कांग्रेस भी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। समय बदलते देर नहीं लगती है, ये प्रकृति है और प्रकृति हर शोषण करने वाले का जो जैसा कर्म करता है उसका रिजल्ट देती है। अगर प्रकृति चाहे तो अभी दिन को रात कर सकती है, ठीक है, तो प्रकृति जो है वो बलवान होती है और वो इनका जो है शोषणकर्ताओं को दिखाएगी कि भाई 24 में कितना भी परसेप्शन क्रिएट कर लो मोदी मोदी मोदी, लेकिन अगर ये लोग समझ गए 90% जिनके पास वोट है, जिनका देश है, तो सत्ता जो है कभी भी आपके पैरों से जो है तले से जो है जमीन खिसका सकती है। लेकिन भाजपा में काफी आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है कि सरकार उनकी ही बनेगी, उनका यही मानना है, कहना भी उनका यही है। चोरों को पता है ना भाई, जज मेरे फेवर में, पुलिस मेरे फेवर में, जहां कानून बनना है जो मशीन है वो मेरे फेवर में, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस है कि चोरी पूरी तरीके से अच्छी से आती है, हमें डकैती करनी, हजारों सालों का एक्सपीरियंस है हमें, तो इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, इसीलिए कॉन्फिडेंस है उनका कि डकैती अच्छे से आती है। लेकिन कहते हैं ना ईडी सीबीआई को जो वो लोग भेज देते हैं वो तो स्वतंत्र मानी जाती है, फिर उनके हाथ में कैसे है वो? मैंने क्या कहा, सब उन्हीं के हाथ में है। तो हमने इनसे बातचीत करी, इनका यही कहना है कि जो कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि जैसे भाजपा सरकार कह रही है कि उनकी सरकार बनती हुई नजर आएगी, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जब ईडी सीबीआई और सब इन्हीं के हाथ में है तो फिर क्या करा जा सकता है। लेकिन अब देखते हैं 2024 नज़दीक है, क्या फैसला लेती है जनता, जनता के हाथ में ही है फैसला। बाकी आई की जानकारी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ।